अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं बर्फ़ी फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, सब कुछ आपके सामने बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लो फैट, सॉरी लो फैट नहीं, फुल फैट दूध लिया है 2 लीटर। आप डब्बे वाला भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक का, या फ्रेश आप ले लें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट उससे आता है, लेकिन इससे भी बर्फ़ी आपकी अच्छी तैयार हो जाती है। 1 लीटर दूध इसमें मैंने शामिल किया है, अभी दूसरा इसमें शामिल कर देते हैं। टोटल हम 2 किलो दूध की बर्फी बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसका पनीर बनाएंगे, ये पनीर से बर्फी तैयार करेंगे। दूध हमने इसमें शामिल कर लिया है, अभी हम इसको चूल्हे पर रखते हैं। दूध मैंने देखिए इस तरह से हमारा बॉइल आ गया है, तो अभी हम इसमें सिरका शामिल करते हैं। ये जो बोतल की कैप है वही आप 1-2 टेबल स्पून हमें वाइट विनेगर चाहिए या फिर लेमन जूस आप ले। अभी ये थोड़ी देर में खुद ही गार्डन हो जाएगा। छोला दूध यहाँ पे हमारा मुकम्मल तौर से देखे गार्डन हो चुका है, पानी इसका सेपरेट हो गया है, पनीर इसका अलग हो गया है। तो अभी हम इसको छान लेते हैं। पनीर जो हमने दूध का निकाला वो इस तरह से ना इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना पनीर निकला है। ये है 440 ग्राम हमारा पनीर निकला। इसमें 2 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर शामिल करेंगे अच्छे से भर के। ग्राम्स की अगर बात की जाए तो टोटल जो मिल्क पाउडर है ये 50 ग्राम्स है। दूध हमने इसमें शामिल, सॉरी, जो मिल्क पाउडर है वो हमने इसमें शामिल कर लिया। अभी ये जो थिक क्रीम है वो इसमें शामिल करते हैं। वन फिफ्टी ग्राम हमने इसमें ये क्रीम शामिल किया, आप इसकी जगह मलाई भी डाल सकते हैं। और इसको भी हम इस तरह से कर लेंगे यहाँ तक ये स्मूथ हो जाए। इस तरह से स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी तैयार हो चुकी है। मिल्क पाउडर हम इसमें मज़ीद शामिल करेंगे। टोटल यानी 150 ग्राम हमने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया है और इसको मज़ीद हम ब्लेंड कर लेते हैं। ये करके बहुत ज़्यादा इसका स्मूथ टेक्सचर बना है। जो हमने कॉटेज चीज़ और मिल्क पाउडर और क्रीम मिक्स की है, अभी हम इसको इस तरह से नॉन स्टिक जो हमारी कढ़ाई है उसमें इसको डाल लेते हैं। सारा मिक्सचर इसमें मैंने डाल दिया, तो अभी हम इसमें घी डाल लेते हैं। टोटल 50 ग्राम घी मैंने इसमें शामिल किया, इस तरह से पूरा 50 ग्राम घी है। मीठे के लिए हम इसमें चीनी यूज़ नहीं कर रहे, हम इसमें निश्री, हम इसको बोलते हैं, या मिश्री बोल सकते हैं, या इंग्लिश में इसको रॉक कैंडी बोलते हैं, इस तरह से धागे वाली ये यूज करें। ठीक है, अब इसको मेजर करते हैं कितने ग्राम बनती है। टोटल ये 186 ग्राम्स बनी है। अभी हम इसमें तकरीबन यानी हाफ कप पानी डाल के तो इसका शीरा बना लेंगे ताकि इसके जो धागे हैं वो सेपरेट हो जाए।
उसको माइक्रोवेव में रखते हैं, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। ये जो हमने रॉक कैंडी पानी में इसको मेल्ट किया था, दागे इसके मैंने सेपरेट कर लिए थे, तो इसको मैं डाल, अभी हैंड वेस की मदद से इसकी जो गुठलियाँ हैं वो तोड़ते हैं। आज मैंने बिल्कुल हल्की रखी हुई है, लगातार आप इस तरह से इसमें चम्मच चलाते जाएं। आंच बिल्कुल आपने हल्की रखनी है इसकी। लगातार इसमें चम्मच चलाती जाए करके नीचे से ये जले ना। चूल्हा मैंने यहाँ पे बिल्कुल आहिस्ता रखा हुआ है, बिल्कुल धीमी आपकी आँच होनी चाहिए, और लगातार इस तरह से आप इसमें चम्मच चलाते जाएं। बर्फी रेडी होने की जो निशानी है ना, वो ये है कि ये कढ़ाई या जो बर्तन आप जिसमें बना रहे हैं वो छोड़ देती है। अभी इसने बर्तन छोड़ दिया है काफ़ी हद तक, लेकिन चमचे के साथ अभी तक है, तो मज़ीद थोड़ी सी हम इसकी बनाई करेंगे। देखिए इस तरह से अभी ये हो रही है। कढ़ाई आपकी बिल्कुल साफ हो जाएगी इस तरह। साइडों से उतारे हैं चम्मच की मदद से, थोड़ा थोड़ा करके इसको। हाँ जी, बस हमारी बर्फी जो है इस तरह से तैयार हो चुकी है। देखिए कढ़ाई इसने छोड़ दिया, तो अभी हमने इसको जिसमें बर्तन में डालना है उसमें सबसे पहले हम घी लगाएंगे, और उसके बाद इस बर्फी को उसमें डाल देंगे। चूल्हा अभी इसका बंद कर देते हैं। ये डिश है जिसमें हमने बर्फी सेट करनी है, तो इसको इसमें डाल देते हैं। चम्मच की मदद से पूरा इसको फैला लेते हैं। पूरा इसको हमने इवन कर लेना। चम्मच के पीछे आपने थोड़ा सा घी लगा लेना, तो उसके बाद आपने इसको इस तरह से करना है, वरना आपके चम्मच के साथ बर्फी थोड़ी सी चिपक जाएगी। पूरी बर्फी इस तरह से मैंने इवन कर लिया, तो अभी हम इसको रखेंगे। अब इसको फ्रिज पे रख सकते हैं, और जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको कट करेंगे। फ्रिज में आपने अगर नहीं रखनी तो आप इसको फ्रिज के बाहर रख सकते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। 2 दिन के बाद आपकी जो बर्फ़ी है वो फिर सेट हो जाएगी। आज मैंने ये स्पेशली अम्मी की फरमाइश पर बनाई है, अम्मी को नट्स वगैरह ऊपर पसंद नहीं है,
या फिर कुछ भी, अम्मी को इस तरह सिंपल बर्फी बहुत पसंद है, तो इस वजह से अम्मी के लिए आज मैंने स्पेशली इस तरह से बनाई है।